हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं या देश के किसी भी कोने से टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई बड़ी खबरें पाना चाहते हैं तो आज ही आपका अपना हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिस खबर ने सभी को हिला के रख दिया है। तो क्या खबर है, वीडियो के साथ बने रहिए। इससे पहले साथियों आपको बताना चाहता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे दूसरे चैनल का लिंक है जिसमें आपको फ्री स्टडी मटेरियल्स आपके व्हाट्सएप पे फ्री आपको नोट्स मैसेज के द्वारा आपको मिलेंगे और उनका कोई चार्ज नहीं होगा, सारी चीजें फ्री है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरे चैनल का लिंक है, आप वहां से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है डीओई डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, जिसमें आपका एक एग्जाम हुआ था 89/17 और जो एग्जाम था पीआरटी असिस्टेंट टीचर, मतलब प्राइमरी असिस्टेंट टीचर का एग्जाम हुआ था। तो उस एग्जाम में आज बहुत बड़ी खबर सामने आई है, बहुत चौंकाने वाली खबर सामने आई है और उस खबर ने सभी को हिला दिया है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी पीआरटी वाले कैंडिडेट्स हैं, जो भी और कैंडिडेट्स हैं, उनको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो गलत है उनके साथ ही गलत होगा, जो सही है उनके साथ बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो अभी जो डीओई में पीआरटी वाला एग्जाम हुआ है असिस्टेंट पीआरटी का, तो उसमें चार कैंडिडेट्स के, मतलब चार ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका फोटो एक है, इसके बाद चार कैंडिडेट्स के सिग्नेचर एक है, हैंडराइटिंग वगैरह एक है। अब ये सोचने वाली बात है कि चार कैंडिडेट्स का एग्जाम एक कैंडिडेट ने दिया है। अब साथियों, इस पर क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन करेगा, डीएसएसबी ने इन चारों कैंडिडेट्स को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है, मतलब ये चार कैंडिडेट्स 10 साल तक कोई भी भर्ती नहीं देख पाएंगे, कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद और बड़ी खबर ये भी है कि अभी क्राइम ब्रांच इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और जो ये कैंडिडेट्स हैं इनसे पूछताछ होगी, और अब जब पूछताछ होगी तो उसमें ना जाने कितने ऐसे कैंडिडेट्स या जो सेंटर पे जो कैंडिडेट थे जो एग्जाम लेने वाले थे वो निकल के सामने आएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी इसमें बहुत एक मोड आने वाला है, लेकिन जितने भी मेरे जेन्युइन साथी हैं उनको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, जो गलत है उनके साथ गलत जरूर होना चाहिए। डीएसएसबी ने, जैसा मैंने आपको बताया, 10 साल के लिए उन कैंडिडेट्स को बैन किया है, बहुत अच्छा काम किया है, मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अगर कोई गलत है तो उसके साथ गलत होना चाहिए। अब सोचने वाली बात यह कि मतलब आप सोच के देखें, चार कैंडिडेट्स हैं, उनकी हैंडराइटिंग भी एडमिट कार्ड पे पीछे जो लास्ट पेज होता है सेम टू सेम है, इसके बाद जो फोटो है वो भी सेम टू सेम है, मतलब बहुत ही चालाकी से काम किया गया है, लेकिन डीएसएसबी ने बहुत अच्छा काम किया है और ये जो मामला है ये क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। अब क्राइम ब्रांच इसमें बहुत सारी चीजें सर्च करेगी और सर्च करने के बाद एक बहुत बड़े और अच्छे नतीजे पे पहुंचेगी। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट है आप लोगों के लिए। इसके बाद बताना चाहता हूं, दूसरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिस्ट मिल जाएगी उसकी। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।